नमस्कार YouTube, मेरा नाम है केतन सिंह चौहान एंड आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ मेरी सिग्नल्स एडिशन रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 का। तो आज मैं आपको पूरा इसके बारे में इसकी जानकारी दूंगा। इसका मेरा 4000 किलोमीटर हो चुका है, अप्रोक्स एक साल मैंने गाड़ी मेरी चला ली है। तो इसका टोटल रिव्यू मैं आपको बताऊंगा कि एक साल में मैंने क्या अच्छी चीज़ें इसमें फेस करी हैं, क्या बुरी चीज़ें मैंने फेस करी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब कोई नहीं करता। एक सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले आपको इसके इंजन स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, जो कि इसका जो आपको जे सीरीज का इंजन मिलेगा 346 सीसी का इंजन है एंड मैक्सिमम पावर इसके अंदर 19 bhp की है। इसमें 28 nm का आपको मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा 4000 rpm पे। और इसकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है कि 35 का माइलेज है इसका, लेकिन वो क्या रियल है मैं आपको बताऊंगा बाद में वीडियो में। तो इसमें आपको फ्रंट फोक्स 35 mm के मिल जाएंगे एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं बाइब्रे की ब्रेकिंग है, जो कि 280 mm का आपको इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाता है। एंड ये जो रियर ब्रेक है ये है इसका 240 mm का। तो इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, जो कि हमारी C8 कंपनी का टायर इसके अंदर कंपनी से आता है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है, टायर भी अच्छा है इसका। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर जे सीरीज का इंजन है। एंड अब बात करते हैं मुझे ओवरऑल गाड़ी है कैसी लगी है। गाड़ी का तो मतलब ये बताना चाहूँगा मैं आपको, गाड़ी का मुझे इसका तोड़ नहीं लगा है। इसके पहले मेरे पास R1 V2 थी, तो R1 V2 मैंने बेच के इस गाड़ी को लिया है, क्योंकि R1 में काफ़ी सारी मुझे खामियाँ लगती हैं। तो ये तो हो गई गाड़ी की बात, अब बात करते हैं इसके ओडोमीटर की। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये आपको काफ़ी जो पुराना आता था उससे तो काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हो चुका है। अब देखा जाए तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये दिखा देता है, ये आपको फ्यूल दिखा देगा, ट्रिप दिखा देगा एंड काफ़ी बढ़िया है। टाइमिंग वगैरह भी इसके अंदर आ जाती है एंड स्विच वगैरह की बात करें तो स्विच की क्वालिटी भी काफ़ी सही है, फ्यूल इंजेक्टर वगैरह। और इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड हज़ार्ड लाइट मिलती है, आप देख सकते हैं हज़ार्ड मेरा ऑन है, मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ। तो ये अभी दिन के कारण थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी सही दिख रहा है। तो ये हज़ार्ड लाइट मुझे कंपनी फिटेड मिल गई है, तो मुझे आफ्टर मार्केट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ ही मुझे ये लगी। आपको इसके अंदर एक चार्जिंग स्लॉट भी मिल जाता है, आप इसके अंदर 12 volt का या चार्जर आप इसमें लगा सकते हो एंड काफ़ी ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है। तो ये सारे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन गाड़ी के बता दिए हैं मेरी, अब मैं इसकी अच्छाइयों की बात करता हूँ कुछ, काफ़ी जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी है रॉयल इनफील्ड की। काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी मैं इसको कहूँगा, जो सीट की क्वालिटी है, ये सीट जो पहले आती थी इससे पहले वाले मॉडल में वो इतनी कंफर्टेबल नहीं आती थी, हल्की सी आप देख सकते हैं कर्व टाइप की है एंड जो हमारा पिलियन होता है उसके भी काफ़ी अच्छा है, सपोर्टर काफ़ी अच्छा है। तो आप देख सकते हैं सीटिंग इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरी हाइट है 5'10", तो मेरे पैर अभी जबकि ये सेंटर स्टैंड पे लगी हुई है मेरे पैर इस पर टच हो रहे हैं, मतलब आप कम हाइट का बंदा भी इसको चला सकता है। और इसका पोस्चर ये रहता है गाड़ी चलाने में, काफ़ी स्पोर्ट्स बाइक होती हैं आपने देखी होंगी R1 वगैरह KTM, तो उसके अंदर पोस्चर ये आता है, तो उसमें आपके बैक पे लोड ज़्यादा काफ़ी हैवी पड़ता है। इसमें यह है कि आप अगर लॉन्ग राइड भी करते हो तो आप इसको लेके लंबा निकल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपका पिलियन रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी पे कंफर्टेबल रहेगा, उसका सपोर्ट के लिए पीछे एंगल भी काफ़ी बढ़िया दिया हुआ है एंड काफ़ी ओवरऑल गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। तो देखा जाए तो इसके सस्पेंशन, अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, आपका थोड़ा बहुत ख़राब सा भी रोड है, तो आपको सस्पेंशन इसमें ऐसा दिया गया है कि थोड़ा बहुत तो आपको दस का इसमें ज़रा सा ही फील नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको नहीं आएगा। एंड सबसे मेन चीज़, इतनी हैवी गाड़ी है, अप्रोक्स 200 किलो की गाड़ी है, तो इसको रोकने के लिए ABS भी काफ़ी अच्छा, ड्यूल चैनल ABS है मेरा वेरियंट में ये, तो ABS भी काफ़ी ज़्यादा सही है, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती है रोकने में। एंड बात करते हैं इसकी हेडलाइट की, तो हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा सही है, मैं आपको इसमें अगर दिन में दिख जाए तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको जला के, एक मिनट। तो हेडलाइट आप देख सकते हैं, हेडलाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे बिल्कुल भी रात में अलग से कुछ इसके अंदर एक्सटर्नल लाइट लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी तक। सबसे मेन चीज़ जिसके लिए रॉयल इनफील्ड जानी जाती है, इसका साउंड, इसका जो एग्जॉस्ट है, इसके पहले वाले एक मॉडल में जो एग्जॉस्ट आ रहा था उसके अंदर आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की नीड थी, क्योंकि उसके अंदर साउंड थोड़ा कम आता था। एग्जॉस्ट इन लोगों ने लगाया है इसके अंदर रिबॉन एडिशन में, वो एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बेसी इन लोगों ने कर दिया है, आपको मैं साउंड ही सुनाता हूँ पहले। देख सकते हैं साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपके कानों में चुभेगा भी नहीं। और अभी अगर आफ्टर मार्केट साइलेंसर आप लगवाते हैं इसके अंदर, तो उसके ऊपर चालान भी है 12 से 13 हज़ार की आपकी कट जाएगी, तो इसलिए कटवाओ मत,
और ये वाला साइलेंसर चलने, और अगर आप एक्सटर्नल साइलेंसर इसके अंदर लगवा भी लगवाना चाहते भी हो, मैंने कंपनी में जाके बात करी थी लेकिन उन लोगों ने मुझे बोला कि इसकी जो हमारे इंजन की वारंटी है ये मैंने एक्सटेंड करवाई है 4 साल के लिए, तो अगर मैं इसका साइलेंसर ये कटवा के दूसरा लगवाता हूँ तो मेरी इंजन की वारंटी उसी टाइम खत्म हो जाएगी, आपके इंजन के लिए भी वो खराब रहेगा क्योंकि उसके अंदर ये कैटलिटिक कन्वर्टर इधर यहाँ पे लगा हुआ है साइलेंसर के अंदर, वो निकाल दिया जाएगा तो आपकी जो एयर है वो सीधे साइलेंसर से बाहर पास होगी, तो आपके इंजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहता है। और अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हो तो मैं तो करता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक साइलेंसर का चेंज नहीं करवाया। तो ये तो हो गई इसके बारे में कुछ अच्छी बात, और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं सब जानते हैं, एक अच्छी तो दूसरी बुरी। तो अब मैं इसके बात करने वाला हूँ कि जो मुझे इसका बुरा पहलू लगा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अगर मैंने इस गाड़ी पे 3 लाख रुपए मेरे खर्च करे हैं तो मुझे कम से कम उसके अंदर क्वालिटी चाहिए थोड़ी पेंट में हैवी। और ये मेरा यहाँ से आप देख सकते हैं पेंट के अंदर इसमें लम्स टाइप पड़ने लगे, एक यहाँ पड़ रहा है, एक यहाँ पे, ये इधर पे आप देख सकते हैं यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो काफ़ी सारे लम्स इसमें गाड़ी में पड़ चुके हैं। तो यार अगर मैंने इतना इसमें चार्ज करा है गाड़ी में अपनी अच्छी 3 लाख रुपए मैंने इसमें लगाए हैं तो मुझे कम से कम पेंट की क्वालिटी अच्छी चाहिए। ओवरऑल मुझे कोई दिक्कत पेंट में नहीं है लेकिन मुझे सिर्फ मास्क पर मेरे इसमें दिक्कत आ रही है। अब बाकी मैं सर्विसिंग पे इसको लेके जाऊंगा, जब मैं कंपनी से इसके बारे में बात तो करूंगा, अगर देखते हैं वो लोग मुझे क्या इसका जवाब देते हैं वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड सेकंड थिंग, इसका जो क्लच है ये इतना ज़्यादा टाइट हो चुका है अभी कि मतलब आपको सही में लगेगा आप ब्लूटूथ ही चला रहे हो, जितनी हैवी गाड़ी है उतनी हैवी इसका क्लच हो चुका है अभी। तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग नहीं चलाने की आदत है, मुझे तो ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं लेकिन जो नहीं चलाता उसको काफ़ी ज़्यादा इससे दिक्कत होती है। एंड दूसरी चीज़ साइड ग्लास, इसका साइड ग्लास इतनी रफ क्वालिटी का लगा है, मुझे हल्का सा मुझे घर में से निकालने में एक इम्पैक्ट लगा और ये गाड़ी का साइड ग्लास यहाँ से चटक गया था। तो यार अगर आप पैसा ले रहे हो तो आपको क्वालिटी गाड़ी के अंदर बिल्कुल मेंटेन करनी चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ गाड़ी का एवरेज होता है, तो कंपनी क्लेम करती है 35 km/h आपको ये एवरेज प्रोवाइड करेगी लेकिन फर्स्ट सर्विस तक मेरी गाड़ी ने मुझे एवरेज 15 से 20 का दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है एवरेज। सेकंड सर जब मैंने इसकी सर्विसिंग करवाई है तो उसके बाद मुझे अभी तक इसने 25 से 30 का एवरेज दिया है, इसके आगे मुझे एवरेज बिल्कुल भी नहीं दिया है। ठीक है 350 cc का इंजन है, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे चलेगा, लेकिन इसके अंदर आप मीटर इसका देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पहले वाली से तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है लेकिन अभी काफ़ी इसके अंदर डिटेलिंग हो सकती थी। जो अब इसको इस कैटेगरी की अगर गाड़ी आती है इतने प्राइस पॉइंट में तो आपको और ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं ऑप्शंस। हाँ लेकिन इसमें आप यहाँ पे GPS ज़रूर लगवा सकते हो, इन लोगों ने स्लॉट दिया है पहले से, मैं भी इसको अब सर्विसिंग के बाद लगवाने वाला हूँ। एंड दूसरी चीज़, जब मैं इस गाड़ी को चालू करूँगा आप एक नई चीज़ सुनेंगे, तो आपने सुनी होगी इसकी लाइट में ये जो ग्रिल लगी हुई है, ये ग्रिल मेरी ढीली हो चुकी है, पता नहीं किस उसमें ढीली हुई है क्योंकि मैं गाड़ी बहुत सही चलाता हूँ मेरी, और इसमें अब जब मैं गाड़ी का थ्रोटल थोड़ा सा देता हूँ तो गाड़ी में से हल्की सी यहाँ से आवाज़ टाइप की आती है जो कि काफ़ी गंदी लगती है, और आपकी गाड़ी में से अगर कोई आवाज़ आए तो आपको गाड़ी चलाने का तो वैसे ही मन नहीं करेगा, तो इस चीज़ पर भी इन लोगों को काम बिल्कुल करना चाहिए। एंड हाँ सबसे बड़ी चीज़, अगर आप मार्केट में इस गाड़ी को लेके जा रहे हो थोड़े ट्रैफिक में लेके जा रहे हो तो आपको बिल्कुल भी लेके नहीं जाना है, अगर आप इसको लेके जाओगे तो पहली चीज़ तो हेवी बहुत है, आपसे संभलेगी नहीं, और दूसरा ये गर्मी के दिन में हीट बहुत ज़्यादा करती है, तो इसका इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट करता है, आप जैसा कि जानते हैं एयर कूल्ड है तो इसमें कोई लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन भी नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको मार्केट में लेके नहीं जाएं, ये मेरा पॉइंट है। बाकी इसका ये इंजन का भी यहाँ से थोड़ा इसमें कलर टाइप का ये निकलने लगा है, तो कलर का तो बहुत ज़्यादा इसमें इशू मेरे को देखने को मिला है, कलर की क्वालिटी इनको थोड़ी इंप्रूवमेंट ज़रूर करनी चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू मेरी सिग्नल्स क्लासिक का, आई होप आपको पसंद आया हो, और अगर आप भी रॉयल इनफील्ड लवर हो तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।